हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ईद मेरी विदाउट सेलिब्रेशन थी, बिकॉज़ मेरे मामू का इंतकाल हुआ, मेरी भाभी का जवान का इंतकाल हो गया था। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ईद तो नहीं मनाई है, लेकिन आज ईद का चौथा दिन है। मेरे दो भाइयों की शादी हुई है, तो मेरे छोटे बाबा वाले भाई की सास ने यानी मेरी चाची ने हमें दावत में अपने घर इन्वाइट कर रहा था, जो शादी की दावत रह गई थी हमारे मामू के इंतकाल की वजह से। तब उनका चेलूम वगैरह हो चुका है, तो ईद के बाद उन्होंने दावत रखी थी, तो आज हम उस दावत में जा रहे हैं। वो व्लॉग शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। ये मेरा सूट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और क्या कहते हैं इसके साथ मैंने ये लहंगा बनाया, ढाका पजामा। ये मेरे बच्चों के लहंगे हैं जो आज पहन कर जाएंगे। तो अगर आप मेरा ये लुक देखना चाह रहे हैं और ये व्लॉग इंजॉय करना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो देखें। इसमें मैंने हेयर स्टाइल बनाना भी सिखाया है अपना, समर्स के हिसाब से मेकअप भी कराए। कलर भी पिस्ताशू ग्रीन है ये मेरा, समर्स के हिसाब से। और ये जो लहंगे ये मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं अपनी बच्चियों के पूरी। ये मेरा शैतानी दिमाग है जो ये लहंगे इस तरह लग रहे हैं, इंडियन खूबसूरत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बाय सना जहरा। और मेरा ड्रेस तो उसका है क्रोसेंट, ये पता नहीं क्रीसेंट का है शायद, नाम भूल गई मैं इस ब्रांड का, पर है बहुत अच्छा जो भी है। बहरहाल ये मैं आपको समर्स में हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले टॉप पर एक पोनी क्रिएट करनी है, और पोनी के ऊपर मैं एक डोनट लगाकर आपको एक इजी सा बन बनाना सिखाऊंगी छोटे बालों में। तो रहिए मेरे साथ, देखें किस तरह से मैंने पोनी की फोल्डिंग करी है। आगे के बाल निकाल दिए दोनों साइड पोर्शन के, और बाकी बालों के बिल्कुल टॉप पर पोनी क्रिएट कर रही हूँ। मैंने पोनी बना ली है टाइट सी। अब इसके अंदर मैं एक डोनट पर रहूँगी, जो आजकल बने बनाए डोनट मिलते हैं 200 के, 150 के, 170 तक का, आपको बहुत बेहतरीन ये डोनट मिल जाता है। इसे डोनट भी कहते हैं और इसे बम फिट भी कहते हैं। अब देखें ये फैला कर मैं इसके ऊपर एक जो बैंड होता है ना इसके ऊपर डालूँगी, कितना इजी वे में ये डोनट फिक्स हो जाएगा बालों में। मेरे शॉर्ट से बाल हैं टाइट, और खुलेआम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, गर्मी यहाँ शदीद है, तो आई कॉन्ट अफोर्ड इट ओपन हेयर्स बाय छोटे हो या बड़े। तो मैंने इस डोनट में इस तरह लगाऊंगी कि बड़ा सा जूड़ा बन जाएगा मेरा। गो अवे फ्रॉम हियर, आई एम डबिंग। तो यहाँ पर मैं पिन से, बारबी पिन से अच्छे तरीके से इसे अपना बैंड छुपा रही हूँ, इसलिए कि बाल बहुत छोटे हैं। तो आप ये देखिए मैंने किस तरीके से ये क्रिएट करा है। एंड में आप लोग इस पर स्प्रे भी मार सकते हैं ताकि एज इट इज़ रहे आपका, लेकिन मेरे बालों को नीड नहीं थी, दैट्स वाई मैंने स्प्रे नहीं डाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे लाइट कम लग रही है रूम में, तो मैं थ्रू में जाके दोबारा पूरी वीडियो और पूरे मेकअप की। आप सोच सकते हैं वॉशरूम में फ़ैन भी नहीं होता, कितनी गर्मी होती है, फिर भी खड़े होकर आपके लिए मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो प्लीज़ कीजिए लाइक मेरा चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। ये देखिए आगे की पूरी साइड की जो कटिंग थी वो मैंने उठा ली। अब मैं यहाँ वापस वॉशरूम में आ गई हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर लाइट भी सही है, सामने मेरे मिरर है, और मिरर के सामने काम करने में और मेकअप करने में मज़ा ही कुछ और है। ये पीछे से थोड़ी से मैं बालों को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टीज़ किया है, टीज़ कह लें आप इसे, बैक कॉमिंग कह लें, जिससे मेरा पफ ये बहुत अच्छा खड़ा हो जाएगा और मेरे बालों को लिफ्ट भी देगा और स्मार्ट लुक आएगा समर्स के अंदर। ऐसा नहीं लगेगा चपाटू बन के चले गए, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा से हेयर स्टाइल बना कर रहे हैं। आप गौर से देखें मेरी उंगलियों की पोजीशन किस तरह रख रही हूँ, किस तरह फेस पे सेट कर रही हूँ मैं पफ, तो इंशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। एक से दो दफ़ा वीडियो को रिवर्स करके देखें, और देखें कितना पसीनों में हो रहा है मेरा फेस। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी मेकअप का लुक भी पूरा आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी, और फिर वो जो दावत में गए वो मज़े मज़े के खाने, और पहली ईदी मिली बिकॉज़ मेरे चाचा के घर में ईद थी, हमारे घर में ईद नहीं थी बिकॉज़ दो इंतकाल हुए हैं, तो मुझे समझे पहली ईद ही वहीं से मिली है। तो ये देखिए मैं अपने बालों में यहाँ पर भी टीज़ कर रही हूँ, इसलिए कि कोविड की वजह से इतनी मौतें हुई हैं कि दिल तो नहीं चाह रहा कि ईद वीद वगैरह मनाएं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। दिल तो यानी अफसरदा ही है, लेकिन क्या करें जब रोज़े रखे हैं तैयार भी होना। खैर ये तो ईद का चौथा पाँचवा दिन है। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया अपना हेयर स्टाइल, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अभी मैं आपको लाइट सी ऐसी बेस वाटरप्रूफ लगा के दिखाऊंगी काशीस की,
जिससे मुझे पसीने नहीं आए, बिकॉज गर्मी बहुत है, खोलता हुआ पानी आता है दोस्तों नलों में। बस ये सोच लेंगे गर्मी की क्या हालत हुई है पाकिस्तान में, शदीद गर्मी है, ऐसा पसीनों में डूबी हुई हूँ फ्रेंड्स। ये लेकिन पीछे से कितना अच्छा लुक आए जूड़े का, और आगे से भी काफ़ी लिफ्टेड इफेक्ट आ गया मेरे बालों का। तो अब देखिए मैंने काशी इसके लिक्विड फाउंडेशन को जल्दी से पफ से लगाया है, इसके अलावा कुछ भी लगा। ये मुझे अभी भी आगे से थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है, मैं इसे थोड़ा और खड़ा बनाऊंगी, बिकॉज माई फेस इज़ राउंड, तो मेरे राउंड फेस पे बहुत ऊपर उठा हुआ पफ अच्छा लगता है, तो ज़रा मेरे फेस की लुक निकलती है। अदरवाइज तो यहाँ पे मैं दोबारा से पिन निकाल के से दोबारा से कर रही हूँ, लेकिन ये अब ज़्यादा अच्छा हुआ था। कुछ भी स्केप नहीं करती, फॉरवर्ड नहीं करती। ये देखें मेरी कितने अच्छे स्लीव्स में ये टर्सल्स लगे हुए हैं, और पूरी काम वाली शर्ट है, पूरी पर्ल्स जरकून्स पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं इसमें। बहुत अच्छा सा ये ब्रांड का ड्रेस था नेट फैब्रिक पे, और उसके साथ शमीज़ मिली है मुझे जो मैंने पहनी हुई है। देखिए मैंने काशी इसकी फाउंडेशन लगाई है इसके फ्रेंड से, इसके ऊपर मैं पैनकेक लगा लूँगी क्रिस्टीन कंपनी का 14 नंबर का पैनकेक। सिर्फ लिक्विड वेट काशी इसकी लगाई, देखिए कितनी अच्छी कवरेज के साथ है, और ये गर्मियों में पसीना भी नहीं आता, एज इट इज़ रहती है आपकी बेस। तो मैं यहाँ पे पफ को गीला करके क्रिस्टीन का पैनकेक अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, ताकि ये लॉक हो जाए बेस, और मुझे 2-2.5-3-4 घंटे तक पसीना ना आए, एज इट इज़ रहा मेरा मेकअप। अभी देखें रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरा मेकअप एज इट इज़ है, कुछ ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इतनी डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ, करके दिखाती हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, ऐसे एनएसएना नाम तो सुना ही होगा आपने। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पैनकेक अप्लाई कर लिए, अब मैंने मिराकी के मिनरल लूज पाउडर से इसे लॉक कर दिया पैनकेक के बाद भी, बिकॉज पसीना बहुत आता है, गर्मी शदीद है कराची पाकिस्तान में, अशर ही बुरे हैं इंसान के, ऐसा लगता है मुसाम भी बड़े बड़े खुल गए। उसका भी मैं आपको एक अच्छा फेशियल, पोल्स को जो ओपन हो जाते हैं गर्मियों में और पसीना ज़्यादा आता है, उसका मैं फेशियल करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ज़रा थोड़ा फारिग हो जाऊँ, अभी तो रोज़े रख रख के फारिग हुई हूँ, तो ज़रा सा मुझे रेस्ट मिले तो आपको फेशियल करना सिखाऊंगी, जिससे आपके ओपन पोल्स क्लोज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और आपकी स्किन यंग और जवान और ख़ूबसूरत और शाइनी लगेगी। तो यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्रिस्टीन के पैलेट से, कॉन्टोरिंग ब्रश मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये एक तरफ से फ्लफी है जो चीक्स की कंटोरिंग के लिए, और नोज़ की कंटोरिंग के लिए पतला दिया हुआ है। आई होप आपको तरीका कंट्रोलिंग का अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे लाइन के स्ट्रोक्स दे रही हूँ, अपनी लोअर चिन लाइन में, अपने नोज़ एरिया पे सब कंट्रोलिंग दे रही हूँ। कोई पिक्चर्स क्लिक नहीं करी थी, वरना पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती, तो आज आप वीडियो से काम चलाएँ। छोटा सा कट ब्रश है, इससे अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन और शेप दूँगी मैं।
ब्रश को गीला करके वही वाला कंटूरिंग वाला पाउडर मैं अपनी आईब्रोज पे लगाती हूँ, बिकॉज मेरे हेयर्स बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, तो उन पे अगर मैं काला लगा लूँगी तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप गौर से ये तरीका देखेंगे कि मैं कैसे आर्च बनाती हूँ, और आपको दोनों आईब्रोज में डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। आँखों के नीचे भी मैंने वही कंटूरिंग कलर दिया है कि थोड़ी सी लैश लाइन मेरी विजिबल हो जाए। अब मैं अच्छा सा सॉफ्ट सा पीच कलर का ब्लश ऑन दे रही हूँ ज़्यादा सा, बिकॉज आई लव ब्लश ऑन, मुझे ब्लश ऑन बहुत पसंद है। गर्मी में भी ठंडक का एहसास, चीक्स रेड हो रहे हैं, आपकी नोज रेड हो रही है, तो आई रियली लव ब्लश ऑन। मैं भर भर के ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, नोज पे भी हल्का सा मैंने टिंट दिया है, और आज मैं जो शाइनर लगाऊंगी वो बीसी पैलेट का लगाऊंगी। बहुत दिनों बाद आज भाइयों की शादियों के बाद तैयार होने का मौका मिला है, बिकॉज मेरे मामू का इंतकाल हो गया था तो बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था लिपस्टिक तक लगाने का। आज काफ़ी अर्से बाद में तैयार हुई हूँ, ये मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे हर जगह पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस किस जगह पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा है। तो यहाँ पर मैं टेप अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरी बेस हो चुकी है, नीचे झड़े नहीं है हमेशा, वरना आई मेकअप बेस अप्लाई करने से, बेस की अप्लीकेशन से पहले करना चाहिए ताकि आपके ये ज़र्रात आई शेड के नीचे ना झड़े। पर अब मैं कर चुकी थी जल्दी में बेस, तो अब मैं टेप लगा के कर रही हूँ ताकि नीचे ना झड़े और मुझे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉर्नर मिले। ये मेरा आई शेडो पैलेट है, ये किस ब्यूटी का है, चाइना ब्रांड है, पर इसके बहुत अच्छे पिगमेंट हैं। वैसे मैंने पिंक कलर उठाया है और इसको मैं अपनी हड्डी पर लगा रही हूँ, आईब्रो वो उनकी हड्डी पर पिंक कलर से लिफ्ट कर रही हूँ। आई होप आपको लाइट सा पिंक नज़र आ रहा है, इससे डीपनेस क्रिएट कर रही हूँ पिंक कलर से। कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करती कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए। दूसरी आंख पे भी इसी तरह मैं पिंक कलर लगा रही हूँ, एकदम डीपनेस क्रिएट हो जाती है आपकी आईज में। मैं कहा हल्का फुल्का मेकअप लुक भी आपको समझा दूँ इसके साथ, व्लॉग का व्लॉग, मेकअप लुक का मेकअप लुक, और हेयर स्टाइल भी साथ, तीन अलग अलग वीडियोस बनाऊँ, एक ही कपड़े एक ही लुक, इससे अच्छा एक ही वीडियो में आपको सब अच्छा सा डिटेल से समझा दूँ। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती हैं, लॉन्ग एक जिसमें सब कुछ हो, बातें भी हो, चैटिंग भी हो, मेकअप भी हो और हेयर स्टाइल भी हो, तो मैं इसी तरह की एक वीडियो बनाकर हफ्ते में आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। और अगर आपको वो चाहिए क्या कहते हैं पीसेज में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलग अलग छोटे छोटे पीसेज में बना के भी शेयर कर सकती हूँ। अभी आपकी पसंदीदगी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी देखना चाहते हैं, उसी तरीके की बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं हाइलाइटिंग के लिए वाइटिश सिल्वर कलर अपनी ब्रो बोन के नीचे लगा रही हूँ, इससे बहुत अच्छी लिफ्टेड लगेंगी मेरी आईब्रोज। आज मेरा मेकअप मेरी बहन आजा को बहुत पसंद आया, बार बार कह रही थी सना मुझे तुम्हारा आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने थैंक यू बोला, फिर भी उसने तीन दफ़ा तारीफ़ की, थैंक यू सो मच अदा कि तुम्हें मेरा मेकअप इतना अच्छा लगा, मेरा ड्रेस अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पे लीव ग्रीन कलर का जो मेरे ड्रेस का कलर है वो मैं पूरा अपने सॉकेट एरिया में लगा रही हूँ ग्रीन कलर। बहुत अच्छा सा मिंट ग्रीन कलर है, समर्स में बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस कलर भी, ये आई शेडो कलर भी,
आई होप या आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले मैंने पिंक लगाया है, फिर सिल्वरिश वाइट लगाया है, बीच में मैंने ग्रीन लगाया है। कलर्स इसलिए बताती हूँ कि आपके जहन में एक रहे कि कौन से कॉन्ट्रास्ट किसके साथ मिलके कैसे लगते हैं। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको पसंद आ जाए करें मेरी वीडियोज़। देखिए मैं फिंगर पे लेके इसे दोबारा से टैप कर रही हूँ, टैप करने से बहुत अच्छी पेनेट्रेट हो जाता है, आई शेडो ना मेकअप की बेस के अंदर फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा पॉप आउट होकर नज़र आता है। देखिए कितना अच्छा ग्रीन सॉफ्ट मिंट कलर अब नज़र आना शुरू हो गया आइस पे। सॉफ्ट सा मेकअप करा है गर्मी के लिहाज से, पूरे ड्रेस पे मेरी येलो पिंक एंड ग्रीन कलर का ही ब्लेंड है। अब ये डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं, आपसे कॉर्नर्स क्रिएट करूँगी कि आँखों में थोड़ी डीपनेस और आए। बहुत कम लोग ये शार्प कलर्स ब्लू कलर और ग्रीन कलर से आपको काम करके दिखाते हैं, बिकॉज इन्हें हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कलर आप लोगों को हैंडल करना सिखाऊँ और बताऊँगी आँखों पर लग के किस कदर खूबसूरत लगते हैं और आपकी आँखों को हसीन खुला और बड़ा दिखाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। प्लीज़ इतनी मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, लाइक करो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। ये देखें डीपनेस भी क्रिएट कर दी आपकी सना ने। लोअर लैश लाइन पे बस ब्राउन लगाया था और ज़्यादा कलर्स नहीं दूंगी वहाँ पर, मैं हल्का सा यही ब्रश नीचे मार लूँगी कि थोड़ा ग्रीन इफेक्ट आ जाए एंड में टेप हटाने के बाद। आई थिंक टू मच हो गया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बस। अब मैं आँखों में और कुछ नहीं करूँगी, अच्छा सा पिंक कलर का पाउडर लिप कलर दूंगी इसे और डन होगा। ये देखिए अगर मैं इसमें लाइनर नहीं भी लगाती तो ये अच्छा लग रहा है, विदाउट लाइनर भी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हैंग फैंग के थोड़े से ग्लिटर ब्रू बोन के नीचे लगाऊंगी मैं और ये ग्लिटर एकदम पॉप आउट होके बहुत अच्छे लगेंगे। हैंग फेंगे ग्लिटर अंदर और ब्रोबोन के ऊपर लगा रही हूँ। देखने में सामने से तो बहुत प्यारे लग रहे थे, आई होप कैमरास के साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ इन कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। बस सॉफ्ट लुक क्रिएट करा है मेकअप का, मैं लिप्स डन कर दूँगी। शॉपिंग पिंक कलर की लगाई थी पर मैंने बाद में इसे लाइट कर लिया था एक न्यूट शेड ऊपर लगा के, बिकॉज मुझे बहुत डार्क अच्छी तो लग रही थी पर गर्मियों के हिसाब से सॉफ्ट शेड्स अच्छे लगते हैं मुझे। तो देखिए एक न्यूट कलर करके मैंने लाइट कर लिया और एंड में लाइनर लगा लिया था मस्कारे के साथ। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा। चले अब मैं कार में बैठती हूँ, तैयार हो गई हूँ पर्ल माला के साथ। एक मैंने इयररिंग्स पहन लिए बड़े बड़े से ताकि मेरा पार्टी गोडी लुक आए, बिकॉज पूरे पे पर्ल का काम है। मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर रही हूँ घर से निकलने से पहले, मेरा फाइनल फिनिश लुक है। तब चल के देखते हैं कि पार्टी में क्या क्या खाना हमारा इंतज़ार कर रहा है और आज मिलेगी मुझे पहली ईदी। मैं पव भी अच्छा खासा अच्छा बन गया फ्रेंड्स, क्या ख्याल है आपका। यहाँ पे लाइट्स कुछ ऐसी हैं कि बहुत सॉफ्ट कलर में आ रहा है, पर जहाँ पे पार्टी में गई वहाँ लाइट्स बहुत अच्छी थी तो मेरे कलर बहुत अच्छे कैमरे ने कैच करे। मैं यहाँ पहुँच गई अपनी चाची के घर, वो कह रही हैं प्लीज़ मुझे वीडियो में मत लो, उन्होंने हमारे लिए बनाए मज़े मज़े के खाने ईजी दी हमें। और आपको तो पता है बच्चे ईजी देख के पागल हो जाते हैं, ओके बिट्टू मेरी बच्चों को जो फर्स्ट ईदी मिल रही है बिकॉज हमारे ननियाल में तो ईद नहीं, बिकॉज मेरे चाचा की जो बेटी उसके मेरे भाई की शादी नहीं। बच्चे बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हैं ईदी लेने के लिए, तो
सोफे के पीछे खेल रहे थे, बटी धीरे धीरे कुछ कुछ आ रहे हैं। मेरी बेटी अलाना और हयात है और इसे टू नोट चाहिए वन की जगह, इसे टू नोट मिले। आई होप आप लोगों ने अपनी भी बहुत इंजॉय करी होगी, सबके घर में खैर और सलामती होगी और अल्लाह करे कि आप सबको बहुत अच्छी खुशियाँ नसीब हो, किसी को कोई गम नसीब ना हो सिवाय गम हुसैन के, मोहम्मद आले मोहम्मद के सिवा कोई गम नसीब ना हो। ये देखें इनके कमरे में इतनी अच्छी लाइट्स हैं, मेरे ड्रेस के कलर बिल्कुल सही पिक करें, येलो को येलो ही पिक करा है और ग्रीन को ग्रीन ही पिक करा है। इनके कमरे की लाइटिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने यहाँ पे अपने ड्रेस की वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा ड्रेस ये है और ये ओवरऑल लुक है मेरे ड्रेस का। और ये है शामी कबाब मेरी चाची के मोस्ट स्पेशल, जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं उन्होंने हमारे लिए बिरयानी पकाई बीफ की और टिक्के बनाए और कढ़ाई गोश्त बनाया, कबाब बनाए, यम्मी। थोड़ी देर बाद ये यम्मी इन माय टमी होने वाला है। और मेरे शौहर कह रहे थे आज ससुराल का डे मनाया जा रहा है, मेरी बेटी भी हैप्पी है, कबाब बहुत शौक से खाती है। लव यू ऑल, आई होप आपको ये बहुत अच्छा व्लॉग पसंद आया होगा। और देखिए फरहान इन्जॉय कर रहे हैं खाना और अब जाते जाते आप सबको बहुत मोहब्बत के साथ प्यार के साथ बाय कहूँगी। ओके और मिलते रहिए इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें और कीजिए फॉलो मुझे इंस्टाग्राम पे, ऐसे एन एस नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने।